ये अय्याम अल्लाह पाक के फजल व करम से माशी हवाले से माली हवाले से काफ़ी चीज़ों को बेहतर करेंगे और कुछ ऐसे राज खुलेंगे जिसकी वजह से इंसान दूसरे इंसान को समझ पाएंगे, क्योंकि ये हफ्ता राज खोलने के लिए और खुसूसन दोस्तों के बीच में अगर रंजिशें हैं तो उसको मिटाने के लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। पुराने दोस्त ज़िंदगी में आएंगे, खुशहाली के रास्ते असबाब पैदा होंगे और खुसूसन हमारे मुल्क के लिए बेहतर चीज़ें मंजर आम पे आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन दो ऐसे हादसे होंगे जिनमें काफ़ी दुख छुपा हुआ होगा, तो इसलिए वो लोग जो साहिब हैसियत हैं वो हस्ब तौफीक सदका निकालें तो अल्लाह पाक के करम से काफ़ी करम होगा। इन अय्याम का जो सदका है वो हस्ब तौफीक मछली का है, अगर दामन वसत ज़्यादा है तो बड़ी मछली, अगर दामन वसत कम है तो एक अदद छोटी मछली हस्ब तौफीक लेके सदके के लिए से किसी मुस्तहक को दे दें तो इंशाल्लाह माशी हवाले से माली हवाले से काम के हवाले से जो जो रुकावटें बंदिशें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इन अय्याम का जो इसमें आज़म है वो है या रज़्ज़ाक या करीम 27 मरतबा। जब भी दिन का आगाज़ हो तो 27 मरतबा इसमें आज़म पढ़ के अल्लाह को याद करके दिन का आगाज़ करेंगे तो फतेह व कामयाबी आपके साथ साथ होगी। बुर्ज एरीज़ वाले, एरीज़ वालों के लिए रिश्ते उलझेंगे और घर के इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं क्योंकि निकाब उतर जाएगा कुछ लोगों का और यूँ लोगों को शफाफ देखने की वजह से उनके ऐब ज़ाहिर हो जाएंगे और फौरन तनकीद या तजलील का रास्ता जो है हमवार होगा। याद रहे फिलहाल सब्र के साथ चलें, परख लें, समझ लें, लेकिन वो ना कहें जो कहना चाहते हैं, वक्त का इंतज़ार करें। अगर आपने सब्र को कायम किया और वक्त के इंतज़ार के साथ चलना शुरू कर दिया तो तजलील कभी करीब नहीं आएगी और कामयाबी का रास्ता खुल के सामने आएगा। माशी हवाले से माली हवाले से काफ़ी बेहतरी मंजर आम पे आनी है, तभी जितना हो सके फिलवक्त अगर ज़बान को मीठा करके कदम बढ़ाएंगे और सफ़ेद रंग ज़्यादा पहनेंगे, लाइट कलर ज़्यादा पहनेंगे, सब्जियां ज़्यादा खाएंगे तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। इनका भी नहीं है आपको सदका मछली का ज़्यादा मुबारक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो घर परेशानियों मुसीबतों में मुबतला होता था, खुशियों से महरूम होता था, जिस घर पे नज़र हसद तावीज़ात और बंदिशों की वजह से खुशियाँ दूर दूर रहती थी, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़े के नाल के लिए फरमाते थे कि अपने घरों में लगाओ, अल्लाह के करम से तुम्हारा घर हर किस्म की नहस चीज से अल्लाह की पनाह में रहेगा। और जब हजरत कलंदर शहबाज और हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी का जमाना आया तो आप अपने अकीदत बंदों को घोड़े के नाल पे चंद इस्मे आज़म दम करके दिया करते थे कि अपने घरों में लगाओ, देखना किसी भी नहस चीज में तुम्हारा घर मुबतला नहीं होगा, नजर जादू तावीज़ा से अल्लाह की पनाह में रहेगा। और जब तक ये घोड़े का नाल तुम्हारे घर में लगा रहेगा किसी भी इंसान की नजर तावीज जादू या किसी भी किस्म की बंदिश तुम्हारे घर पे और घर में रहने वालों पर असर नहीं करेगी। आपके विसाल के बाद आपकी औलाद सैयद सदरुद्दीन, सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद रहमतुल्लाह, सैयद इमाम शाह, सैयद शाह तुरैल, सैयद कबीर शाह, बीबी बादशाहज़ादी और तमाम शमसी जाफरी सादात आज भी अपने खानदानी इस्मे आज़म घोड़े के नाल पे दम करके देते हैं कि अपने घरों में लगाया करो ताकि तुम्हारा घर हर किस्म की नहस चीज से अल्लाह की पनाह में रहे, क्योंकि घोड़े के नाल से और घोड़े से शैतान और तमाम नहस चीजें दूर दूर रहती हैं। उसके साथ ये पढ़ा हुआ घोड़े का नाल जो घर से तमाम नहस चीजों को खत्म कर देता है और नजर हसद जादू तावीजात को हावी होने नहीं देता, आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है, अभी फोन उठाएं और किसी भी पत्थर के साथ ये पढ़ा हुआ घोड़े का नाल फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट mehbali.com पे आएं और किसी भी पत्थर के साथ ये पढ़ा हुआ घोड़े का नाल फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं यानी UK, US या UAE में रहते हैं तो अमेजोन पे आएं, मेहरबान सुन सर्च करें और किसी भी पत्थर के साथ ये पढ़ा हुआ घोड़े का नाल फी सबीलिल्लाह हासिल करें। आप ये पढ़ा हुआ घोड़े का नाल मेहरबान अली एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर आईफोन पर मौजूद है उनसे भी हासिल कर सकते हैं। तमाम मोमिनीन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में शमसी जाफरी सादात की तरफ से एक तोहफा। बुर्ज तौरस वाले, तौरस वालों के लिए
किसी ऐसे अपने से उनका सामना होगा या झगड़ा होगा जिसमें काफ़ी काम फंसे हुए होंगे। तभी जितना हो सके फिर वक्त कोई तलख कलामी करता है, जज्बाती होकर बात करता है, तो आप जज्बाती होकर ना बात कीजिएगा बल्कि सब्र से दरगुजर कीजिएगा। आपका दरगुजर करना, सब्र करना फिर वक्त आपको किसी बड़ी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेगा। रेगुलरली वॉक पर जाते हैं तो बहुत अहम है, ज़रूरी है। सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ इस हफ्ते तो वो भी आपके लिए बड़ा मुबारक है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा रुक जाएँ, ठहर के समझ के संभल के इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुशावरत के साथ करेंगे तो बड़ा फ़ायदा बनेगा। जल्दबाजी में कोई नुकसान दायची में दिख रहा है, इनका भी नहीं आम का सदका मछली का। उसमें वापस है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बुरे जेमिनी वाले पुराने दोस्त ज़िंदगी में आएंगे और फिर से कामयाबी का रास्ता खुल के सामने आएगा। माशी हवाले से, माली हवाले से तरक्की के रास्ते इस तरह से उभरेंगे जैसे आपको लगेगा कि वो वक्त आ चुका है जिसके आप मुंतज़र थे। तो लेकिन कुछ मसाइल ऐसे जो आपकी रूह को तकलीफ़ देंगे, आपके दिल को तकलीफ़ देंगे, आपके जज्बात को तकलीफ़ देंगे, तो छोटे छोटे मसाइल को दिल पे ना लें, उसको दरगुजर करें और अपने आप को वॉक करने की तरफ रागब करें। पानी ज़्यादा पिएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, रेगुलरली वॉक पे अगर जाते हैं और बात करने से पहले मुस्कुरा के और सुन के मुकम्मल उसके बाद जवाब दे तो इंशाल्लाह परेशानियाँ आपसे दूर दूर होंगी। इस हफ्ते जल्दबाजी से आपको बचना है और ज़्यादा सोचने से दूर रहना है। हाजिर दिमागी आपकी मंजिल है, सोचना आपकी तसलील। इनका भी नहीं है आपको सदका मछली का। इसमें लंबा पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बर्ज कैंसर वाले, कैंसर वालों के लिए कोई दोस्त इनका मुंतजर है। पुराना दोस्त, पुराना साथी या पुराना प्यार करने वाला ज़िंदगी में फिर से आएगा। हो सकता है उसकी राह हमवार हो या उसके तवस्सु से कोई बात पहुँचे या उसके हवाले से कोई बात पहुँचे, लेकिन बात पहुँचे वो बंदा आ जाए या फिर से दोस्ती हो जाए उस पर कोई परेशानी नहीं। लेकिन फिर से अगर उसको वही मौका दिया जाए जो मौका आपने पहले उनको दिया था और तकलीफ़ खाई थी, तो ये आपके लिए बेहतर नहीं है। यानी कि आप घूमना फिरना ज़्यादा कर दें, ताज़ा हवा में कुछ वक्त निकला करें या जहाँ पानी है वहाँ निकला करें। रात को सोने से पहले कुछ वक्त ये सोचें कि आने वाला दिन बहुत मुबारक होगा, क्योंकि पॉजिटिव इन अयाम में अगर सोच के आप सोएंगे तो आने वाला दिन आपको वो देगा जो आप खुद के लिए चाहते हैं। माशी हवाले से, माली हवाले से तरक्की आपके साथ होगी, बशर्त आपकी खामोशी, मीठी जबान आपके साथ साथ हो। इनका भी नियाम कदत का मछली का, इसमें हम वापस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो घर परेशानियों मुसीबतों में मुब्तला होता था, खुशियों से महरूम होता था, जिस घर पे नजर, हसद, तावीज़ात और बंदिशों की वजह से खुशियां दूर दूर रहती थी, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़े के नाल के लिए फरमाते थे कि अपने घरों में लगाओ, अल्लाह के करम से तुम्हारा घर हर किस्म की नहस चीज से अल्लाह की पनाह में रहेगा। और जब हजरत कलंदर शहबाज और हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी का जमाना आया तो आप अपने अकीदत बंदों को घोड़े के नाल पे चंद इस्मे आज़म दम करके दिया करते थे कि अपने घरों में लगाओ, देखना किसी भी नहस चीज में तुम्हारा घर मुब्तला नहीं होगा, नजर जादू तावीज़ा से अल्लाह की पनाह में रहेगा। और जब तक ये घोड़े का नाल तुम्हारे घर में लगा रहेगा, किसी भी इंसान की नजर, तावीज, जादू या किसी भी किस्म की बंदिश तुम्हारे घर पे और घर में रहने वालों पर असर नहीं करेगी। आपके विसाल के बाद आपकी औलाद सैयद सदरुद्दीन, सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद रहमतुल्लाह, सैयद इमाम शाह, सैयद शाह तुरैल, सैयद कबीर शाह, बीबी बादशाहज़ादी और तमाम शमसी जाफरी सादात आज भी अपने खानदानी इस्मे आज़म घोड़े के नाल पे दम करके देते हैं कि अपने घरों में लगाया करो ताकि तुम्हारा घर हर किस्म की नहस चीज से अल्लाह की पनाह में रहे। क्योंकि घोड़े के नाल से और घोड़े से शैतान और तमाम नहस चीजें दूर दूर रहती हैं। अगर आप कोई भी पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये पड़ा हुआ घोड़े का नाल जो घर से तमाम नहस चीजों को खत्म कर देता है और नजर, हसद, जादू, तावीजात को हावी होने नहीं देता, आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। और किसी भी पत्थर के साथ ये पड़ा हुआ घोड़े का नाल फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट mehbali.com पे आएं और किसी भी पत्थर के साथ ये पड़ा हुआ घोड़े का नाल फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं यानी यूके, यूएस या यूएई में रहते हैं तो अमेज़न पे आएं, मेहरबान स्टोन सर्च करें और किसी भी पत्थर के साथ ये पड़ा हुआ घोड़े का नाल फी सबीलिल्लाह हासिल करें। आप ये पड़ा हुआ घोड़े का नाल मेहरबान अली एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप पर मौजूद है उनसे भी हासिल कर सकते हैं। तमाम मोमिनीन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में शमसी जाफरी सादात की तरफ से एक तोहफा। बुर्ज लियो वाले,
लिए वालों के लिए ये हफ़्ता माशी असबाब पैदा करेगा, माली असबाब पैदा करेगा। हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, या हो सकता है किसी ऐसे दोस्त के तवस्सुते कोई नए बिजनेस की तरफ आप कदम बढ़ाएं या नए काम की तरफ आप कदम बढ़ाएं। लेकिन जो काम आपको नहीं आता उस पर इन्वॉल्व ना हो, या जो काम आप करना चाहते पहले वो प्रॉपरली सीख लें आप, क्योंकि सीख के काम करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, जल्दबाजी में कदम बढ़ाएंगे तो तजलील, जज्बाती नहीं होना क्योंकि आपके दाइजी में गुस्सा दिख रहा है, आपका गुस्सा या आपकी शिकस्त है। टैलेंटेड हुनरमंद मेहनती तो आप हैं, लेकिन गुस्से भी काबू करके मीठी जबान को कायम कर लिया तो दुनिया पूरी आपके कदमों में आ जाएगी इंशाल्लाह। इनका भी नहीं आपका सदका, मछली का स्मरण वापस स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज विरको वाले, विरको वालों के लिए ये अयाम बहुत ही अहम है क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आनी है, आपकी सोच मैच्योर होगी, आपके फैसले बड़े कमाल के होंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत ठहराव पैदा होगा। अभी जितना हो सके फिर वक्त अपनी बात करने से पहले, काम करने से पहले थोड़ी सी मुशावरत करते हैं या तस्दीक करते हैं जो आपकी आदत है, तो इंशाल्लाह नुकसान आपसे दूर दूर होगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए या किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए ये अयाम बहुत ही अहम साबित होंगे। अभी ज़िंदगी में अमन, खुशहाली, मोहब्बत, प्यार सब आना है, बशर्त आप हाजिर दिमाग रहें। वो चीज़ जो कर चुके हैं उसको भूल जाएं, वो चीज़ जो करेंगे उसको छोड़ दें, जो चीज़ कर रहे हैं उस पर तवज्जो होना चाहिए। इसी चीज़ को कायम रखेंगे तो परेशानी आपसे दूर होंगी इंशाल्लाह। इनका भी नियम गलत का मछली का इसमें वापस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले, लिब्रा वालों के लिए इनकी मीठी जबान इनका सबसे बड़ा ख़जाना है क्योंकि आपके हर ख़जाने की चाबी आपकी मीठी जबान है। आपकी मीठी जबान जब तक आपके साथ होगी कोई आपको हरा नहीं सकेगा, लेकिन जब आप अपने टैलेंट से दुनिया को मनाना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे आप क्या हैं, तो कोई नहीं मानेगा आपको। आपका अखलाक आपके सबसे बड़ा जेवर है, आपकी कामयाबी के लिए यही रास्ता हमवार करेगा। आपका जज्बात, आपका तलख कलाम होना या हुनरमंद या हुनरमंदी को जाहिर करना बार बार आपकी तजलील पैदा करेगा। पानी सबसे ज़्यादा पिए, अगर नीम गर्म दूध पीते हैं रात को या सुबह को तो वो भी बड़ा मुबारक है। इनका भी नियाम खत का मछली का स्मेल वापस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन वाले, किसी हवस, खुशी या ख्वाहिश में कोई गलत फैसला या गलत इंतखाब कर सकते हैं। याद रहे किसी चीज़ को देने में, छोड़ने में, करने में जल्दबाजी ना करें। ये हम जल्दबाजी के नहीं बल्कि हिकमत अमली के साथ चलने की, अगर फिल वक्त आपने सोच समझ के फैसला किया तो इंशाल्लाह परेशानी आपसे दूर दूर होंगी। अभी किसी अपने से झगड़ा भी हो सकता है, याद रहे कोई तनकीद करता है या आप पे तंज करता है या हसद करता है या एतराज़ उठाता है तो उसको इग्नोर कर लें या हिकमत अमली के साथ चलें, सब्र के साथ चलें, इंशाल्लाह परेशानी आपसे दूर दूर होंगी। रेगुलरली वॉक पर जाया करें, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनका भी नियाम का तटका मछली का इसमें वापस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज सजिटेरियस वाले, ये हम आपकी ज़िंदगी में रौनक फिर से लाएंगे। माशी हवाले से, माली हवाले से काम बेहतर होने हैं और जितना हो सके फिर वक्त कुछ देर ज़मीन पर बैठ कर बड़ी बड़ी सांसें लिया करें और घूमने फिरने को कम ना करें। ताज़ा हवा में कुछ वक्त ज़रूर गुजारा करें। आपका ताज़ा हवा में कुछ वक्त गुजारना, रेगुलरली वॉक पर जाना या वो चीज़ें खाना जिनकी तासीर ठंडी है, आपको बड़ी मंजिल से मिलाएंगे क्योंकि अभी आपकी हाजिर दिमागी और हिकमत अमली के साथ फैसला करना बहुत ज़रूरी है। कोई बड़ा काम आपका होना है जिससे ज़िंदगी को तरक्की मिलेगी, पर शर्त आप ख़ुद के साथ रहें, मीठी जबान और खुश अखलाक रह के ज़िंदगी गुजारें। इन्हें यहाँ में मिर्च मसाले, चटपटी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें बिल्कुल कम खानी है, पानी ज़्यादा पीना है। इनका भी नियाम कसरत का मछली का इसमें वापस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले, आप पे एतराज़ ज़्यादा उठेंगे, लोग आप पे तनकीद करेंगे, आपकी तजवीज करना चाहेंगे और आप पे बार बार जो कसूर आपने किया ही नहीं, जो गुनाह आपने किया ही नहीं उसमें आपको इन्वॉल्व करना चाहेंगे। याद रहे लोग तो चाहेंगे कि तजवीज हो, लेकिन आपका सब्र उन तमाम परेशानियों को दूर कर देगा अगर आप एक्शन उठाएंगे। एक्शन का जवाब रिएक्शन से देंगे या ईंट का जवाब पत्थर से देंगे या पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे तो वो तजलील बढ़ती जाएगी, वो परेशानियाँ बढ़ती जाएंगी। फिर वक्त आपका सब्र ही तमाम चीज़ों के लिए बेहतरीन इलाज है। लाइफ में ज़्यादा इन सफ़े पहनना है, सेविंग करने की जरूरत आगे वो आपका बचत करना आपके लिए सबसे बड़ा कामयाबी का रास्ता हमवार करेगा। अपने आप को छोटे खुशियों में मसरूफ़ करें, रेगुलरली वॉक पर जाते हैं या ताज़ा हवा में कुछ पर गुजारते हैं तो बहुत मुबारक होगा। इनका भी नियाम कसर का मछली का नरम बार पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस वाले, ये यहाँ आपकी ज़िंदगी में आपके अंदर ये सोच पैदा करेंगे कि आप मौजूदा चीज़ों को छोड़ दें, चाहे वह अज़्वाजी रिश्ता हो, दोस्ती हो, काम हो। याद रहे फिर वक्त किसी चीज़ को छोड़ना या किसी चीज़ को ख़त्म करना या कहीं दूर चले जाना आपके लिए बेहतर नहीं है। फिर वक्त अपने कामों पर फोकस करें, जो रिश्ते मौजूद हैं उसको संभालने की कोशिश करें, जो काम है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आपने ये किया तो इंशाल्लाह मंजिल कामयाबी आपके साथ होगी। रेगुलरली वॉक पर जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके फिर वक्त
कुछ देर कच्ची ज़मीन पर बैठें और बड़ी बड़ी सांसें लिया करें, इनसे इंशाल्लाह परेशानियाँ आपसे दूर होंगी। अगर आधा घंटा एक घंटा वॉक भी जाते हैं तो बहुत ही मुबारक है। अगर रात को सोने से पहले पानी सरहाने रख के सोते हैं तो ये भी आपके लिए बड़ा मुबारक है। इनका भी नियम का सदका मछली का मबा पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज पाइसिस वाले, ये यम आपकी ज़िंदगी में बेचैनी पैदा कर सकते हैं। याद रहे, जल्दबाजी करके किसी चीज़ को छोड़ना, करना, ख़त्म करना बिल्कुल ही बेहतर नहीं है। लेकिन कोई काम सीखना चाहते हैं तो इब्तिदा कर सकते हैं। फिलवक्त आप किसी काम को सीख